नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पास एग्जाम में मास्टर मुद्गिल के। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एडब्ल्यूओ जो टीपीओ का जो एग्जाम होना था, जो टेली प्रिंटिंग ऑपरेटर का जो एग्जाम होना था, उसके बारे में जो उठापटक लगाई जा रही है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के चलते अब एग्जाम होगा ही नहीं इस साल। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे दूं, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि सीपीओ कंडक्ट कराता है एसएससी के द्वारा, तो वो वाला जो नोटिफिकेशन है वो निकला हुआ है। तो आप प्लीज उस वाले फॉर्म को जरूर भर दें, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 जून से 16 जुलाई तक है, और ये जो फॉर्म है वो आप एसएससी की साइट पे जाके भर सकते हैं। तो क्या आपने भर दिया है? अगर नहीं भरा है तो अभी जितना जल्दी हो सके उसको भर दें, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम पे फिर जो आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं, तो जैसे मान लो आपका नियर बाई दिल्ली है, होम टाउन दिल्ली है, और होम टाउन दिल्ली होने के कारण जो एग्जामिनेशन सेंटर भी आप दिल्ली ऑप्ट करोगे तो आपको दिल्ली मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है कि जितना जल्दी हो सके हम फॉर्म को फिलअप कर दें। उसके बाद बात की जाए तो दिल्ली पुलिस जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तो एग्जाम डेट उसने नोटिफिकेशन में डाल ही दी है। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में ये जो एसएससी का जो सीपीओ के रिगार्डिंग जो प्री एग्जामिनेशन होना है उसके लिए डेट जो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर है। और अभी बात की जाए कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ जो टीपीओ वाला एग्जाम होना है उसकी एग्जाम डेट कब होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कोई कुछ बता रहा है, बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं, बहुत फेडअप हो चुके हैं। कोई कह रहा है कि कोरोना के चलते नहीं हो रहा, या कोरोना के चलते होगा ही नहीं, या अभी इस डेट को लोग वैसे ही बिना बात के बता रहे हैं कि हाँ अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते सारी फाइल डंप है। ऑल ऑफिसर्स जो भी बहुत मोस्ट अर्जेंट फाइलें हैं उन्हीं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है कोरोना के चलते आप एक बात सोचिए ना, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, कोई एक स्टेट या दो स्टेट का तो है नहीं, या सिर्फ केवल दिल्ली दिल्ली के लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए अभी ट्रेन भी नहीं चल रही, बस भी नहीं चल रही, तो उस तरीके की जो कन्वेंस वाली फैसिलिटी है वो भी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है। वो चीजें जब सही हो जाएंगी उसके बाद डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कब ये एग्जाम होगा। लेकिन मोस्ट अप्रोव जो अगर थोड़ा सा अनुमान लगाया जाए तो जो अनुमानित होने वाला है वो लगभग लगभग इस साल के एंड तक ये होएगा, दिसंबर तक जाने की इसकी संभावना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, अदरवाइज आगे भी फर्दर पोस्टपोन हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस बीच में आपको, अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मेरी आपसे एक पर्सनली सलाह है, क्योंकि देखो मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी उन चीजों को फेस किया जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तैयारी करता रहूं एग्जाम होगा नहीं। तो और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जब एग्जाम डेट क्लियर नहीं हो पाती या हमारे सामने नहीं आती, तो फिर जो हमारी तैयारी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा टूट जाता है। तो हमें वो फ्लो बिल्कुल बना के रखना है, क्योंकि जब एग्जाम एकदम से आएगा तब चीजें एकदम से उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले, सबसे पहले खुद को इवेल्युएट करना है कि मेरी तैयारी सही है या नहीं है, या मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो किस तरीके से। तो दोस्तों, मैं आज एक बारी आपको फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप ये बेसिक बुक कर सकते हैं, वैसे मैंने बेसिकली आपको बताया था कि जो जीके के लिए मैंने ये लूसेंट बुक आपको बताई थी, ये आप देख ही रहे होंगे। तो ये जो लूसेंट है, ये जो पुरानी बुक आती थी लूसेंट की, जो छोटे वाली बुक है ब्लू कलर की, आप देख ही पा रहे हो, तो ये आप तैयार कर रहे होंगे। उसके बाद मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी कोचिंग नोट्स एक्स वाई जेड, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राकेश यादव की पब्लिकेशन के, मैं इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा ना, मुझे कोई इससे पैसा मिल रहा कुछ नहीं, बस मैं तो आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पैरामाउंट कोचिंग की है, ये भी मैथ्स की है, तो आपके पास जो भी कोचिंग नोट्स है, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, एडवांस का हो, तो वो आप एक बारी इसको आप कर सकते हैं, या तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा या आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले खुद को तैयार रखना जरूरी है, क्योंकि युद्ध में जाएंगे तो सबसे पहले अपने अस्त्र शस्त्र जो है अपने साथ होने चाहिए, तभी युद्ध सही से लड़ा जा सकता है। तो ये भी एक युद्ध ही है, जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमें बिल्कुल सीरियस रहना है। सबसे पहली बात तो, अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की ये जो बुक बताई थी, मैंने पहले आपको बताया था कि बेसिक के लिए आप जो है मैथ्स में आरएस अग्रवाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी कोचिंग में जहां भी कभी आपने नोट्स आपको मिले हो, कभी कोचिंग की हो, तो वहां के वो नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं जो आपने क्लास नोट्स हो। उसके अतिरिक्त मैंने इंग्लिश के लिए आपको प्लिंथो पैरामाउंट, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने प्लिंथो पैरामाउंट भी आपको बताई थी
कि ये एक प्लिंथो पैरामाउंट नीतू सिंह करके आती है, तो ये वाली बुक जो है आप देख पा रहे हैं, ये भी आप तैयार कर रहे होंगे क्योंकि इसमें से ही सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। लेकिन आज मैं इन सब चीजों से भी थोड़ा सा एडवांस बात करने वाला हूं कि अगर मान लो आपकी ये बुक तैयार हो गई है या अगर आप इनमें से तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है वो कुछ और बुकों से भी क्लियर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई भी बुक पर मैं कोई एक बुक परफेक्ट नहीं है, या किसी भी कोई एक बुक मैं अगर यूं कह दूं कि बस यही परफेक्ट है, यही इनफ है। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा जो है हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि चीजें जब से टीसीएस अब एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो चीजें पहले से चेंज हो गई हैं। अब वो वाली चीजें नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया आपने और बस उसमें से आ जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, वो तो बिल्कुल करने ही पड़ेंगे। उसके अतिरिक्त भी थोड़ा सा एक अलग तरीके से हमें एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो एसएससी का जो बच्चे तैयारी कर रहा है, आपको पता ही होगा अभी कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम पैटर्न को समझ नहीं पा रहे और जो अपना पुराना ढर्रा है उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जैसे कि रीजनिंग के लिए हर एक बच्चा लगभग लगभग सबकी, ओवरऑल अगर मैं कहूं तो रीजनिंग सबकी बराबर सी होती है। रीजनिंग में अगर कहीं जो डिफरेंस आता है तो वो टाइमिंग को लेके आता है कि एक बच्चा जो है वो 25 क्वेश्चनों को करने में 20 मिनट लगाता है और एक बच्चे को 25 क्वेश्चनों को करने में 30 से 35 40 मिनट तक लग जाते हैं। तो देखिए, जो 30 मिनट में कर रहा होगा वो एग्जाम को कहां से क्रैक करेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट्स हैं, तो कहां से क्लियर होएगा, एग्जाम होएगा ही नहीं। तो आज बात ये नहीं हो रही कि मुझे चीजें आती हैं नहीं आती हैं, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि मैं विद इन टाइमिंग चीजें कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने भी जिन चीजों को फेस किया है वही चीजें बिल्कुल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन बेसिक बुकों से तैयारी करके और उसके बाद बिल्कुल आप बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर तक जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हो, ये ट्रेनिंग की बुक है, जो बाद में आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको इस तरीके की बुक्स भी आगे पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं बिल्कुल आपको एक बिल्कुल पूरा एक रोड मैप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सही दिशा में तैयारी करनी है, ताकि मैं अगर सही दिशा में तैयारी करूंगा तो मुझे जल्दी सिलेक्शन हो जाए। एक रास्ते तो टेढ़े मेढ़े भी जाएंगे, लेकिन एक जो सीधा रास्ता है वहां से हम जल्दी से हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, आप पूरे को ध्यान से देखिए। अगर आप सीरियस हैं तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वैसे ही मौज मस्ती के लिए देख रहे हैं तो सॉरी, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि लूसेंट जो है, लूसेंट को बिल्कुल रामबाण है, मैं आज भी कह रहा हूं कि लूसेंट से बेस्ट कुछ भी नहीं है, आपको लूसेंट जरूर पढ़नी चाहिए। और लूसेंट का भी एक तरीका बताता हूं, देखिए मैं जैसे मैंने ही कर रखी है, तो ये पहले आपको पेंसिल से अंडरलाइन शो हो रही होगी, तो सबसे पहले एक रीडिंग में अंडरलाइन, उसके बाद जो जो मेन पॉइंट्स है उसको आप इस तरीके से हाईलाइटर से मार्क कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आप हाईलाइटर से करते जाएंगे, तो ये चीजें ही आपको बार में रिवीजन करनी है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यू नो ऑल वेरी वेल। तो दोस्तों, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें बिल्कुल आपको कंप्लीटली आपके ब्रेन में फिट नहीं हो पाएंगी, तो रिवीजन तो हमें करनी ही करनी है। तो ये बात हुई लूसेंट की, और लूसेंट के बाद अगर मैं बात करूं कि मुझे और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, मैथ्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से, देखिए दोस्त, बहुत सारे लोग जो है, ये आप देख पा रहे हो, ये क्विकर मेथड के नाम से आती है, एम टायरा। हालांकि मैं यूं नहीं कह रहा कि इसमें सारी चीजें बुरी हैं, लेकिन इसमें दोस्तों मोस्टली जो है ट्रिक्स दी होती हैं, अब जो है ट्रिक्स का जमाना चला गया है, तो थोड़ा सा इन चीजों को छोड़ने की जरूरत है, इन चीजों में फंसे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से इन बुकों से अभी तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बात और भी बताता हूँ दोस्तों, अगर कोई YouTube पे अच्छे से पढ़ा रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका लेवल जरूर चेक करें, क्योंकि अब जो SSC का लेवल है वो बहुत ज्यादा एक डिफरेंट, अगर मैं कहूं तो बिल्कुल हो चुका है। अगर SSC में जब से TCS को दिया है, जब से टाटा कंसल्टेंसी एग्जाम ले रही है, तब से देखिए थोड़ा सा जो पहले सुनने में आता था कि धांधली हो रही है और इस तरीके से, कई बार कुछ रूमर्स भी होते हैं और कई बार जेन्युइनिटी भी होती है चीजों में, तो उन चीजों में काफी हद तक लगाम लगी है। बिल्कुल जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। तो आप बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, किसी तरीके का कोई तोड़ नहीं है। तो मैंने बताया कि ये जो अपडेटेड बुक्स हैं उनसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरा, कोई अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं
तो दोस्तों एक बारी कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कौन टीचर सही पढ़ा रहा है, किसको रोड मैप पता है, किसने खुद क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लोग हैं वहीं उठ के कुछ भी करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने मैंने बिल्कुल देखा है कि कुछ टीचर इस हद तक पढ़ा रहे हैं कि जो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है या जहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उन चीजों को सीख के करोगे क्या? और मैं देखता हूँ उस पर मिलियन व्यू है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए मैथ्स के लिए सीधा सीधा आपको बताऊं, देख मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, ना मुझे कोई पैसा दे रहा ना कुछ, मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट के हित को देख के बात कर रहा हूं कि आपका एक फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बच्चों को सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत है कोई सब्जेक्ट जिसमें दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो सबसे अगर बड़ी बात है तो वो मैथ्स की पड़ती है। मैथ्स में बच्चा कहीं ना कहीं मार खाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास के बाद मैथ्स छोड़ चुके होते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक अभिनय के नाम से है, अभिनव शर्मा है कोई, यूट्यूब पे आप सर्च करना और उनकी मैथ्स जरूर देखना एक बारी। मैं पर्सनली मेरा कोई उनसे टाई अप नहीं है, कोई वो नहीं है कि मैं उनकी ब्रांडिंग कर रहा हूं, बस आप देखना कि हाँ वो टीचर हैं। जहां लोग पेड़ पढ़ाते हैं वो बंदा फ्री में उतना पढ़ा के छोड़ता है, मतलब उनका जो लेवल है वो काफी अच्छा है, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है। और उनका जो बेसिकली जो फ्री बैच है और जो पेड बैच है उनमें डिफरेंस ये होता है, जो फ्री बैच है उसमें वो टाइप वाइज करा रहे हैं कि एक टॉपिक कराया उसके बाद फिर नेक्स्ट चेंज होता है टॉपिक, मोस्टली ही आपको किसी टॉपिक के दो क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज वो टॉपिक चेंज करके। जबकि वहां जो अपना वो पेड बैच दे रहे होते हैं तो वहां पर जो है उनका कंप्लीट वो उस पर प्रैक्टिस भी साथ ही करा देते हैं। तो ये एक बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस है उन चीजों में। तो दोस्तों ये मैंने बताया, एक बार आप जरूर देखना अगर मैथ्स की तैयारी करना। सबसे पहले जो सही तैयारी करने का जो तरीका है वो क्या है, सही तैयारी करने का सबसे बेटर जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप सबसे पहले वीडियो को देखें, जो भी टीचर बता रहा है या जो भी उस चीज में एक्सपर्टीज है वो, जिसने वो चीजें देख रखी हैं, जिसको बेटर तरीके से वो चीज आती है, एक बार उसकी वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है उसमें एक कंसेप्ट डेवलप होता है, या कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमें आती हैं और जो सामने वाला बता रहा है वो उसका रिजल्ट बिल्कुल एक अलग से एक यूनिक तरीके से बता रहा है जिसमें टाइम कम लग रहा है, तो हमें टाइम ही तो बचाना है। बात वो नहीं हो रही कि मैं चीजें जानता हूं आप चीजें जानते हैं, बात ये हो रही है कि विद इन टाइमिंग किस तरीके से हम जो जहां से भी आपको बेटर चीजें मिले, जहां से भी आपको अच्छी चीजें मिले वो ले लो। जब तक आपके नाम के साथ एक स्टूडेंट वर्ड जुड़ा हुआ है तब तक आपको हार नहीं माननी है। कोई कुछ भी कह रहा है कि ये करेगा वो करेगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल फोकस होके स्टडी करनी है। तो मैंने बताया कि एक बारी जो है किसी भी सब्जेक्ट की अगर जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो एक बारी उसकी वीडियो उसके बारे में सर्च करें, यूट्यूब पर करें या कोई भी जो भी कोई ऐसा है जो टीचिंग प्लेटफॉर्म आपको आपके पास है तो एक बारी उस पर देख लें। उसके बाद जो भी आपकी बुक है उससे एक बार एक ट्राई करने की कोशिश करें कि जो आपने मेथड अप्लाई किया है या जो नई चीज सीखी है वो हो रही है नहीं हो रही है, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करें। तो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका मैथ्स के बारे में अगर कोई है तो यही है। एक बारी मैंने बताया कि एक बारी देखना, क्योंकि SSC जब से थोड़ा सा अपडेट हुआ है तो आपने देख रहा होगा देखा होगा कि अब जो है मैथ्स में कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। अगर आप मान लो आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो तो आपको एक बारी अभिनव शर्मा का जो मैथ्स है वो एक बारी बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर बात बनेगी नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बाहर जैसे एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो बताते हैं कि मैथ्स बड़ा कैलकुलेटिव था। देखिए पहले जो है बहुत सारे क्वेश्चनों में हमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, अब फ्रैक्शन आ रही है पॉइंट में, जैसे ही क्वेश्चन जाएगा या फ्रैक्शन जहां भी आएगी थोड़ा सा ब्रेन को सोचने के लिए टाइम मिलेगा, वो थोड़ा सा जैसे ही पजल हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, जिसने जो विद इन सेकेंड बहुत सारे क्वेश्चनों में जो है पेन उठाने की उसको जरूरत नहीं पड़ रही, और वहां उसको बार बार ही पेन उठाना क्या उसको टाइम देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल हैंग सा हो जाता है, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो। देखिए जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जो मेरा जो मैंने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूटों को बिल्कुल नजदीक से देखा है, मुखर्जी नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी देखा है और बहुत सारी जगह के भी जो भी देखिए बेसिकली जो तैयारी करा रहे हैं SSC के लिए वो दो तीन जगह ही फेमस है, बहुत सारी फेमस है, पर उनमें जो है बेसिकली मोटा मोटी अगर देखा जाए तो एक तो मुखर्जी नगर का नाम सबसे ऊंचा है कि मुखर्जी नगर में SSC के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। भाई ठीक है टीचर हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ वही है, ज्ञान और भी बहुत जगह से मिल रहा है, उनसे बेटर तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुखर्जी नगर आप जाओगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। एक बार रोड मैप अगर आपको कहीं से और से भी पता चल रहा है तो वो आपको लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा अगर बात की जाए तो एक इलाहाबाद भी हब है, और तीसरा अगर बात की जाए तो एक पटना, तीन जगह पे ही सबसे ज्यादा कंपटीशन है, यही कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। तो
तो इन तीनों जगह की जो वास्तविकता है वो आज YouTube के जो टीचर हैं या YouTube जो एक प्लेटफॉर्म आया है बिल्कुल मट्टी पलीत कर दिया है इनके, बिल्कुल ये तिलमिला से गए हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि अब जो है चीजें बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड की जा सकती हैं। बहुत सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूं कि आपको और कौन कौन की सी बुक सी तैयार करनी, मैथ्स की बात क्लियर होगी, जीके की बात क्लियर होगी, कि लूसेंट बिल्कुल ये तो एक बारी कर लेनी है मोटा मोटी, इससे जैसे ही निकलोगे लूसेंट खत्म, लूसेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया कि किसकी जिसकी जो प्लिंथो पैरामाउंट कंप्लीट कर चुका है या इसको इसको करने के बाद इसकी एक सेकंड पार्ट भी आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये है इसका जो प्लिंथो पैरामाउंट का सेकंड पार्ट, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो इसमें भी थोड़ी सी एडवांस चीजें दी हैं जो ये बेसिकली उनके लिए है जो आगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि भाई इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो इंग्लिश में और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद जब हमारी ये बुक हो जाए उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट जरूर करने हैं। तो देखिए ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये हमारे प्रैक्टिस सेट है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लेके ये तैयारी कर सकते हो। और इसमें एक एसएससी का भी एक जो करंट पब्लिकेशन का भी आता है जिसमें चैप्टर वाइज होता है, उसमें क्या होता है कि बिल्कुल एक कंप्लीट चैप्टर से ये होते हैं, चैप्टर से उसी जैसे जैसे हमारी एरर है तो एरर से रिलेटेड सारे अब हमें एक जगह मिल जाएंगे। तो उस तरीके से जो चैप्टर वाइज है तो वो भी आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि अभी वक्त है हमारे पास, हम खुद को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं चीजों में। उसके बाद अगर कोई एसएससी के लिए बिल्कुल सीरियस तैयारी कर रहा है और उसने उस बुक का नाम कहीं नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं ग्रामेटिकल जरूर सकते हैं, वो इस किताब से बाहर कहीं नहीं जाते। तो इस बुक का नाम है एसएससी इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये दीपक सिन्हा की बुक है। ये आप देख पा रहे होगे, आपने या तो इसका नाम सुना होगा और या नहीं सुना है तो बिल्कुल देख लें, इससे तैयारी करना बिल्कुल बेटर है। इसकी जो ग्रामेटिकल है ना, ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है और बिल्कुल क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो कुछ बुक और हैं, जैसे ये तो ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए होगी। उसके बाद एक ये आती है एसपी बक्सी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के नाम से एसपी बक्सी की बुक आती है, ये भी आपने देखी होगी या नहीं देखी है। तो इसका जो हमारा जो वोकैब का पार्ट है इसमें से हमें वोकैब बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्योंकि वोकैब के जो क्वेश्चन है एसएससी में वो लगभग लगभग इससे ही आ रहे हैं। देखिए दोस्तों एक बात और भी बताऊं आपको, आपने लगभग जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा होगा वो इस बुक से बहुत परिचित होगा, एमबी पब्लिकेशन। हाँ मैं मानता हूं कि प्रीवियस ईयर सेट के लिए ये बेस्ट बुक है, इसमें से बहुत बारी क्वेश्चन आते भी रहे हैं और बहुत, क्योंकि देखिए इसमें से ये लगभग लगभग काफी पुरानी 1997 से जैसे ये टिल डेट तक आपको मिल जाएगी, 2020 तक 2019 तक लगभग लगभग मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो हमें तैयार करना है, जो प्रैक्टिस सेट करने हैं, वो लगभग पिछले 7-8 सालों से ज्यादा पीछे नहीं जाना है, उसमें से ही क्वेश्चन लड़ जाता है, उससे अलग कुछ करने की जरूरत है नहीं। रीजनिंग के लिए अगर बात की जाए तो मैंने बताया था कि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, या फिर जैसे अभी टाइम है हमारे पास तो ये एक बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल की, जो परफेक्ट रीजनिंग है ये अजय चौहान, ये पटना पब्लिकेशन की आती है, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अभी वक्त है आपके पास, चीजें आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये हुई हमारी जो है जीके के लिए मैंने बताया, अब बात सबसे जीके के लिए मैंने लूसेंट को बताया, मैथ्स के लिए आपको बताया कि कोचिंग नोट्स या फिर वीडियो जो भी आप प्रेफर करो वो बेटर है, रीजनिंग के लिए मैंने ये बताया कि रीजनिंग इस तरीके से की जा सकती है या फिर अरिहंत का जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है उससे आप कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने आपको दो तीन जो ऑप्शन दिए, अगर बेसिक के लिए अगर बात की जाए तो जो जनरल कंपटीशन जो इंग्लिश की जो नीतू सिंह मैम की किताब है वो बेटर है, उसके दो पार्ट आते हैं, तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल करना ही करना है, सेकेंड में आपकी चॉइस है आपकी, अगर आपने वो बुक जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो 2-3 बारी कंप्लीट कर लिया तो ही आप सेकंड पे जा सकते हैं। एसपी बक्सी का जो वोकैब पार्ट है जो मैंने बताया अरिहंत पब्लिकेशन की आती है तो ये वाली का बेटर है। उसके बाद मैंने बताया अगर आप एसएससी के लिए सीरियस हो और 190 प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो आपको इस बुक पे जाना पड़ेगा जो कि दीपक सिन्हा की है, सिर्फ एसएससी को ही ध्यान में रखते हुए बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी है, बहुत बेटर बुक है, बहुत बेस्ट है, मैं इससे बेटर कुछ मानता ही नहीं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत सारी हैं जो भी आते हैं देश बिना की बुक आती हैं, तो वो कोई भी आप प्रैक्टिस सेट में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एमबी पब्लिकेशन पढ़ना है तो एमबी पब्लिकेशन कोई बुरा ही नहीं है जो इंग्लिश के लिए है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना है, 2020 चल रहा है तो 2010 से लेके अब तक की जो भी एग्जाम हुए हैं वो उसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करें।
उसके बाद मैंने बताया कि दोस्तों अब ये तो हमारे हो गए चारों पोर्शन, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। लेकिन एक बात और भी आपको समझनी पड़ेगी, जो टीसीएस ने जो पहले एग्जाम कंडक्ट कराए हैं वो बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, और बैंकिंग के एग्जाम जब कंडक्ट होते थे तो आपने एक बात देखी होगी, बैंकिंग वाले बच्चे करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। तो ये इसमें जो अब जो जीके आ रही है वो करंट को मिला के, जो स्टैटिक जीके अब सीधी सीधी नहीं पूछी जा रही कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सीधे सीधे हमारे से पूछ लिए गए। अब आपने भी देखा होगा जो पिछला ट्रेंड्स है वो ध्यान से अगर आप पेपरों को एनालाइज करोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो करंट को मिला के आ रहा है, या फिर मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जो हाल फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं तो उसी का जो बैक है। मान लो कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई नया कुछ लॉन्च किया, तो वो तो जो नया लॉन्च किया गया वो तो करंट अफेयर्स हो गया। अब WHO तो एक पुरानी संस्था है, वर्ल्ड लेवल की जो एक हमारी इंटरनेशनल संस्था है, तो WHO का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई, उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेजेंट टाइम पे उसका जो है अध्यक्ष कौन है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो बेसिकली जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो हम कम से कम डेली रूटीन में हमें करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। करंट अफेयर्स से अपडेट देखिए, न्यूज़पेपर में हम 1 घंटा लगे रहे हैं, 2 घंटा लगे, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। टू द पॉइंट, जैसे मैं भी एक वीडियो, आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जो पास एग्जाम पे मास्टर मुदगिल की एक आती है, वो भी बिल्कुल टू द एग्जाम ओरिएंटेड है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो वो भी आप 10-15 मिनट का डेली अगर आप टाइम निकाल के उसको देखेंगे तो आपकी, मैं कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स की के साथ साथ जो हमारी स्ट्रेटेजी की है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। छह आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको सही से करोगे तो कॉन्स्टेबल से लेके और PCS तक वो मोर देन सफिशियंट है, उसमें सारे मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए वीडियो जरूर देखें और उसको नेगलेक्ट ना करें, ये सोचें कि भाई करंट अफेयर्स पहले देखिए। मैं बताऊं, अगर अगर मैं कॉन्स्टेबल की बात करूं तो 1 से 2 नंबर की, SSC CGL में बात करें तो 1 से 2 नंबर की, तो मैंने खुद भी छोड़ी है। लेकिन आपको एक बात याद होगा, या जो आपसे सीनियर जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनको एक बात का पता होगा कि पिछली बारी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे रिटर्न में। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब किसी गांव से या किसी शहर से या किसी सिटी से बहुत सारे बच्चे होते होंगे, जैसे कोई बैच जाता है तो कम से कम 20-30 बच्चों का नाम हम सुनते हैं, वहां भी देखते हैं। लेकिन अब की बारी 1 या 2 बच्चा, वो भी जो कैटेगरी का बच्चा था, कोई OBC है, SC है, ST है, तो जिसको कैटेगरी का बेनिफिट मिल गया था, तो वही बच्चा पहुंच पाया। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमें देखने को मिला 50 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन जो रहे वो करंट अफेयर्स सेक्शन से रहे, और करंट अफेयर्स हमने छेड़ी नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल पहले से मेंटली प्रिपेयर होके बैठे थे कि भाई 1 से 2 नंबर का आएगा। लेकिन लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स को सीरियसली लें, बिल्कुल थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का वक्त जरूर दें, क्योंकि अगर आप अभी उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो चीजें होंगी नहीं। और अगर 10-15 मिनट आप डेली डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी घटनाएं, एक चीज एक से दूसरी घटनाएं जुड़ी होती हैं। एक घटना अगर आज हो रही है तो कल कोई दूसरी होगी, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा पहले ऐसे हुआ था अब ऐसे हो रहा है, तो वो चीजें आपको बेनिफिट करेंगे। उसके बाद बात की जाए तो फिजिकल की जरूर तैयारी करिए, दिन में 1 घंटा जरूर निकाल लिए अपने लिए जो है फिजिकल, जैसे रनिंग की प्रैक्टिस अगर रेगुलरली आप करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और आपको लास्ट टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। जब जैसे क्या होता है कि फिजिकली जब आता है तो बच्चे मौसमी मेंढक, तब फिर मेहनत करते हैं, फिर कभी मसल पुल अप हो जाती है, मसल पुल आपने देखा होगा, या फिर जो थोड़ा सा पेन होता है, सिन पेन, जैसे पैरों में दर्द होता है, तो वो तरीके की चीजें नहीं होंगी। तो आप रेगुलरली कम से कम 1 घंटा ग्राउंड से टच जरूर रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकली फिटनेस वैसे भी मेंटली भी और बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है, और आपका तो फिजिकल टेस्ट होना भी है, जिसमें 1600 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और SSC की बात करें तो शॉर्ट पुट भी होता है, तो वो सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद बात की जाए अभी ये जो टेक्निकल टेस्ट की, या जो हमारा ये टेस्ट होना है, उसके बाद एक टाइपिंग का टेस्ट होना है,
तो दोस्तों उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो ये इस तरीके की जो टाइप राइटिंग की बुक है ये भी आप देख रहे होंगे, ये जिसमें ये हमारे पास जो बुक होती है उसमें हमारे को जो है ये इस तरीके का पैटर्न मिलता है, जो पैसेज दिया होता है और साइड में वर्ड्स होते हैं। तो ये भी आप कर रहे होंगे और कोशिश करें कि आपकी स्पीड कम से कम 50 तक पहुंच जाए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरीके से आप टाइपिंग को जो है वो 50 से 60 के बीच में 3 महीने में, 2 से 3 महीने में कैसे करेंगे। अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट आ रही है तो कैसे आप विद इन 15 to 20 डेज किस तरीके से आप 30 to 50 पहुंचाएंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। तो आपको उससे बिल्कुल, आप मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जो मेरी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होंगी और जो भी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और जो बिल्कुल जो न्यू ट्रेंड्स है तो उसी के रिगार्डिंग जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं या जो भी कोई आपके एग्जाम संबंधित कोई भी बात है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए। एग्जाम कब होगा, एग्जाम अपने हिसाब से बिल्कुल होगा और कोई भी समस्या आती है उसका समाधान जरूर होता है। तो कोरोना महामारी जिस तरीके से चली हुई थी, पहले से अब थोड़ा डिफरेंस है, पहले से चीज़ें सुधर रही हैं। अब आपने देखा भी होगा कि कुछ दवाइयाँ भी ईजाद हो गई हैं, तो अभी चीज़ें सुधरेंगी। कोई भी समस्या आती है परमानेंट नहीं होती, चीज़ें सुधर रही हैं। तो आप भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अपनी मेहनत को कंटिन्यू करिए। अगर आपने बिल्कुल डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, टारगेट फिक्स है कि हाँ मुझे इस साल नौकरी लेनी ही लेनी है और एक गवर्नमेंट जॉब के बगैर, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। किसी की बातों पर ध्यान ना दें, अपनी मेहनत लगातार करते रहें। और देखिए सबसे बड़ी बात कि आप खुद इस लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, तो ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड कर रही हैं। तो आप जो रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करते करते मटके में हर रोज़ दो दो बूंद डाली जाएंगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट, इन्हीं शब्दों के साथ मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।